आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तंदूरी मलाई चिकन टिक्का विद ग्रेवी। बहुत ही लजीज बनता है ये, आप इसको घर में बनाइएगा, घर में सबको पसंद आएगा। और इसकी ग्रेवी बहुत रिच है, बहुत इसमें ज्यादा मिर्च मसाले उस तरह से नहीं है, इंग्रेडिएंट्स भी इसमें बहुत कम है, तो सबको पसंद आएगा। बच्चों को खास तौर पे, जो बुजुर्ग हैं घर में, उनको ये बहुत पसंद आएगा। अगर वो मिर्च मसाला ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं तो ये रेसिपी उनके लिए है। तो इसको बटर नान, नान, रोटी, पराठा किसी के साथ भी खाया जा सकता है। बहुत ही लजीज तैयार हुआ है, आप इसको बनाइएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ उसको मैंने कैसे तैयार किया है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तंदूरी चिकन मलाई टिक्का विद ग्रेवी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं मैं दिखा देती हूँ। मैंने ये बोनलेस चिकन लिया है जिसको मैंने धोकर छलनी में रख दिया है। ये आधा किलो है, 500 ग्राम। एक मुट्ठी मैंने, बड़ी सी मुट्ठी मैंने हरा धनिया लिया है, 6-7 मैंने हरी मिर्च ली है और एक बड़ी हरी मिर्च ली है। इससे जायका बढ़ेगा, मिर्च नहीं होगी। और मिर्च के लिए हमने ये 6 ली हैं, 6-7 आप अपने मुताबिक ले लीजिएगा। लहसुन हमने लिया है, 8-9 जवे लहसुन के लिए हैं। एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। इन सबको मैं ग्राइंड कर लूंगी तो एक फ्रेश पेस्ट तैयार हो जाएगा। ऐसा अगर आप नहीं है तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ग्राइंड कर दूँ साथ में, कि फ्रेशली ग्राइंड करने से जायका भी बढ़ जाता है। ये दखनी मिर्च है जिसको हम व्हाइट पेपर बोलते हैं, ये मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। नमक अपने जायके हिसाब से ले लिया, वैसे 1 टीस्पून है। ये भी मैं साथ में ही सबको मिला के साथ में ही पीस लूंगी, अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैंने 1/2 कटोरी ये दही लिया है, ये इसमें पानी नहीं होना चाहिए। क्रीम ली है, क्रीम हम 2 से 3 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसको सबसे पहले इन सब चीजों को ग्राइंड करके एक पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। सारे इंग्रीडियंट्स मैंने जार में डाल दिए हैं। अब इसमें से थोड़ा सा मैं दही ले लूंगी, पानी नहीं डालेंगे, इसको हम इस तरह से पीस लेंगे। आपको दिखाना भूल गई थी, एक छोटी सी प्याज को मैंने काट लिया है, इसको भी मैं साथ में पीस लेती हूँ। प्याज डाली है इसमें मैंने, जो मैंने मिर्च ली थी सफेद मिर्च और नमक वो भी सब डाल लिया है। तो दोबारा से इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। बहुत स्मूथ पेस्ट हमें तैयार करना होगा। पेस्ट तैयार हो गया है, इसको मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जो फ्रेश फ्रेश हमने लहसुन अदरक पीसा है ना, हरी मिर्च, उसकी वजह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये सारा मैंने निकाल लिया है। पहले एक बैटर तैयार कर लेते हैं, अच्छा सा पेस्ट। इसके लिए दही इसमें मैं डाल देती हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 2 से 3 चम्मच मैं मलाई डाल देती हूँ। मलाई से ये होगा कि बहुत सॉफ्ट और सकुलेंट तैयार होंगे तंदूरी चिकन। तो एक पेस्ट पहले तैयार कर लेते हैं, अच्छे से फेंट लेते हैं, कोई इसमें लम्स ना रहे। पेस्ट अच्छे से तैयार हो गया, अब मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेशन के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। आधे से 1 घंटा आप मिनिमम जरूर रखिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 घंटा जरूर रखिएगा इसको, तो अच्छा सा जायका आता है क्योंकि मसाले अंदर तक चिकन में चले जाते हैं और अच्छा सा मैरिनेशन हो जाता है ये। तो अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ फ्रिज में, 1 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। ग्रेवी के इंग्रीडिएंट्स आप देख लीजिए, एक बड़ी सी प्याज को बहुत बारीक मैंने चॉप कर लिया है, बारीक प्याज है ये। 4 से 5 मैंने हरी मिर्च ली है जिनको बीच में से मैंने चीर लिया है। बाकी फिर वो दोबारा से मैंने, वो जो मलाई है वही है थोड़ी सी, 2 चम्मच इसका इस्तेमाल करेंगे। 1/4 कप मैंने ये दही लिया है दोबारा से, इसको हम फेंट लेंगे। दखनी मिर्च और नमक दोबारा से मैंने लिया है ग्रेवी के लिए। अगर आपको दखनी मिर्च नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हैं। 1 घंटा हो गया और टिक्का मैरिनेट हो गया है, उसको हम सेक लेते हैं और दूसरी तरफ ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो दोनों को हम साइमल्टेनियसली करेंगे। चिकन मैरिनेट हो गया है, अब इसमें से हम निकाल के, ये मैंने सक स्टिक्स ले लिए हैं। तो आप अगर आपके पास स्टिक्स हैं तो आप स्टिक में कर लीजिए, अदरवाइज बिना स्टिक के भी आप तवे पे ऐसे नॉर्मल रख के सेक सकते हैं। तो मैं इसको एक साथ, इसमें 3-4 एक साथ लगा देती हूँ। इसमें जो पेस्ट बचेगा उसको हम ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए मैंने दोबारा से प्याज जो है कम काटी है, तो यही हमारा ग्रेवी में इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरह से मैं सारे तैयार कर लूंगी, सारे मैंने इसमें लगा लिए हैं, अब इसको हम सेक लेते हैं। पैन मैंने रख दिया है, अब इसमें थोड़ा सा हम तेल डाल देते हैं और उसको सब तरफ घुमा देते हैं। इनको हमें गलाना भी है तो इसको हम अलटते पलटते रहेंगे बीच बीच में, और उसको ढक के इसको रख देते हैं ताकि गल जाए। उसके बाद इसको हम थोड़ी देर में पलट देंगे और इसमें अच्छे से मार्क्स भी आ जाएंगे, तब तक का हम इंतजार करेंगे। अभी 2 मिनट के लिए फ्लेम में हाई कर रही हूँ और इस तरह से आप तेल को घुमाते रहिएगा ताकि सब तरफ तेल पहुंच जाए। 2 मिनट बाद मैं चूल्हा हल्का कर दूंगी और उसको ढक दूंगी गलाने के लिए। ढक के लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे
5-7 मिनट लगेंगे उसको गलने में, लेकिन बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे, उसमें हमें इसको पलटना भी पड़ेगा। आप देख सकते हैं एक तरफ ये टिक्का तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिया है, इसमें हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं सबसे पहले प्याज डाल देती हूँ। इसको ब्राउन नहीं करेंगे प्याज को, हल्का सा कलर जब ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तो उसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। बिल्कुल लाल नहीं करेंगे वरना ग्रेवी जो है हमारी रंग खराब हो जाएगा, इसको हमें व्हाइट ही रखना है, इसलिए हल्का सा 1-2 मिनट बस सॉटे करेंगे, इसका कच्चापन चला जाए। इसमें दोबारा से लहसुन अदरक का पेस्ट डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने मैरिनेशन में डाला था। हरी मिर्च डाल देते हैं कि इसका अरोमा आ जाएगा, इसका जो टेस्ट है तेल में आ जाएगा। प्याज में मिर्च आप इसमें अपने हिसाब से रख सकते हैं, ये कम ही मिर्च वाला होता है, इसमें जो तंदूरी फ्लेवर होता है मेन इसमें वही होता है। प्याज ट्रांसलूसेंट हो गई है, अब इसमें जो पेस्ट बचा हुआ था मैं ये डाल देती हूँ। अगर आपके पास पेस्ट इनफ है कि इससे ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो आप दोबारा से दही मत डालिएगा, अगर आपको ग्रेवी खूब सारी चाहिए तो इसमें दोबारा से थोड़ा सा दही डाल दीजिएगा। तो मैं देख लेती हूँ, अगर मेरा इससे ग्रेवी का पूरा हो जाता है तो मैं दोबारा से इसमें दही नहीं डालूंगी। इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। बस इसमें दोबारा से 1 टेबलस्पून मैं दही डाल रही हूँ ग्रेवी करने के लिए, और इसको मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा जो मसाला लगा हुआ है बोल में उसको हमें पानी से खंगार के डालना होगा इसमें, और इसको ग्रेवी को पकने देते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। नमक काली मिर्च डाल देते हैं। फ्लेम अब मैंने लो कर दिया, इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। मैं इसे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, अब ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ देंगे। 5-7 मिनट ग्रेवी पकी रही, और दूसरी तरफ चिकन को देख लेते हैं, जो टिक्का तैयार हो रहा है उसको हमें पलटना होगा। एक बॉईल आने देते हैं, उसके बाद मैं लो फ्लेम पे इसको छोड़ दूंगी पकने के लिए। अब मैं फ्लेम को लो कर देती हूँ और उसको ढक देती हूँ। 5-7 मिनट ग्रेवी तैयार होने देते हैं, प्याज भी इसमें गल जाएगी। इसको खोल कर देख लेते हैं, इसका पानी छोड़ दिया है, अब ये गल भी गया होगा। अब इसका पानी सुखा लेते हैं और उसको पलट देते हैं। इसमें लगाने से ये फायदा है कि हमको एक एक करके नहीं पलटना पड़ा, पूरी स्टिक को हम एक साथ पलट दे रहे हैं, वरना अगर इस तरह से करना पड़ता तो उसमें बहुत टाइम लगता है, पूरे को एक एक करके पलटना पड़ता है फिर, तो इसलिए मैंने इसको स्टिक में किया था। आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, देख सकते हो हल्के हल्के मार्क्स आ गए हैं, लेकिन हमें ऐसे और डार्क स्पॉट्स चाहिए इसमें, तो उसको पकने देते हैं। पानी सूख, पानी सूख गया है, इसमें हल्के हल्के मार्क्स भी इस तरह से आ गए हैं, तो इसमें नहीं आए इन दोनों में, तो इसको मैं अलट पलट कर रही हूँ, पीछे से थोड़े थोड़े आ गए हैं, तो थोड़ा सा इसको 1-2 मिनट और लगेगा, और अच्छे से गल भी गए हैं, बस मार्क्स का हम इंतजार करते हैं, अलट पड़ते रहेंगे। लो फ्लेम पे इसको मैं कर रही हूँ। दूसरी तरफ ग्रेवी तैयार हो गई है, उसकी गैस मैंने बंद कर दी है। अब देख सकते हैं ये भी तैयार हो गया है, इसको भी थोड़ा सा पलट देते हैं दूसरी साइड से। अब हम क्या करेंगे कि एक एक स्टिक ले लेंगे और डायरेक्ट गैस पे उसको थोड़ा सा, इस पे ग्रिल मार्क्स आ जाएंगे, और अच्छे से घुमाते घुमाते रहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि स्टिक में करने से ये होगा, थोड़ी आसानी रहेगी, आप स्टिक से पकड़ के भी इस तरह से कर सकते हैं। तो सारे हम इस तरह से कर लेंगे, आप देखिए कितने अच्छे से मार्क्स आ गए हैं, हमें इस तरह के चाहिए। बस हल्का हल्का करना है, ज्यादा नहीं करना है। ये हो गया, सारे मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। सारे पीसेस तैयार हो गए हैं, अब इसको हम ग्रेवी में डालेंगे। ये ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, अब इसमें मैं सारे चिकन के पीसेस डाल देती हूँ। अब इसको मिक्स कर देते हैं ग्रेवी के साथ, थोड़ा सा पका लेते हैं 3-4 मिनट। इसकी ग्रेवी थोड़ी ड्राई ही रहती है, बहुत ज्यादा ग्रेवी इसमें पतली नहीं रहती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसको आप कर लीजिएगा, इसमें पानी डाल लीजिएगा। मैंने इसमें अभी क्रीम नहीं डाली है, थोड़ा इसको पकने देते हैं, बिल्कुल आखिर में इसमें मैं क्रीम डालूंगी। फ्लेम बिल्कुल लो है, अब इसमें मैं क्रीम डाल देती हूँ और उसको मिक्स कर देते हैं। बस 1-2 मिनट इसके साथ और पकाएंगे। अब इसमें लास्ट में हमें तंदूरी फ्लेवर देना है, जो हम कोल से देंगे,
सारा मजा उसी से है, वो जरूर आप करिएगा, उसको स्किप मत करिएगा। इसको 1 मिनट पहले, 1-2 मिनट पकने देते हैं, 2 मिनट बाद इसको हम स्मोक देंगे। ये बिल्कुल तैयार हो गया है, इसको मैं हटा देती हूँ। अब मैं डायरेक्ट इसी पे ये रख देती हूँ, इसको गर्म कर लेते हैं। लाल करना होगा इसे हमें, 3 से 4 मिनट लगेगा इसको होने में। मैंने कटोरी रख दी है और इसमें थोड़ा सा हम तेल डाल देते हैं, घी या बटर आप कुछ भी डाल दीजिएगा, और फौरन इसको हम ढक देंगे ताकि जो स्मोक है इसमें ट्रैप हो जाए। और इसमें मैंने ये जो यहाँ पे मैंने एक लौंग लगा दी ताकि इसमें स्मोक इसमें से ना निकले, इसमें हम तौलिया ढक देते हैं। 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसको हटा देते हैं और हमारा तंदूरी मलाई चिकन टिक्का विद ग्रेवी तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना, आप घर में जरूर बनाएगा। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि ये बहुत अच्छा बनेगा और सबको पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो नीचे लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, हमको अच्छा लगता है आपके कमेंट जब आते हैं उनको पढ़ना। तो आप कमेंट जरूर लिखा करें, फीडबैक जरूर दिया करें, और जब बनाएं उस खास तौर पर तब तो और जरूर आपको देना चाहिए कि किस तरह का बना, उससे हमें ये आइडिया भी मिलता है कि ये रेसिपी हमारी किस तरह से निकल कर आई है, लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए शैलाज दस्तरखान।